हेलो ट्रेडर्स, मार्केट की सही ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम बिलायत हुसैन है और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे इनसाइडर स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं, एक रिटेल ट्रेडर स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं, इनसाइडर कौन है और कैसे काम करते हैं, रिटेल ट्रेडर कैसे इस स्टॉक मार्केट में लॉस करते हैं, इनसाइडर कैसे इस स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एक रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि जब एक रिटेल ट्रेडर इस स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उसको कुछ समझने नहीं आता है कैसे इस स्टॉक मार्केट काम करते हैं और उसका लगातार लॉसेस होते हैं। अगर आप इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में लॉस कर रहे हैं तो आपने अगर हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो या इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आगे आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो स्टॉक मार्केट के बारे में मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छी तरीके से हमने डिजाइन किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने के लिए कोशिश किया है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक डायग्राम बनाया है और यहाँ पे एक साइड में हमने इनसाइडर की बात किया है एंड दूसरी साइड में यहाँ पे रिटेल ट्रेडर की बात किया है। तो हमने दोनों का यहाँ पे जिक्र किया है और इस मार्केट में इनसाइडर का काम करने का तरीका अलग है और एक रिटेल ट्रेडर का काम करने का तरीका पूरा पूरी अलग है। सबसे पहले हम जानते हैं इनसाइडर। इनसाइडर का मतलब क्या है? इनसाइडर का मतलब होता है, इनका मतलब होता है अंदर और साइडर का मतलब होता है किसी भी साइड, यानी किसी भी अंदर की साइड की सोच रखने वाले, मतलब इस मार्केट की अंदर की सोच या समझ रखने वाली उन सभी लोगों की यहाँ पे हम बात करेंगे और यहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर की भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इनसाइडर कौन है। इनसाइडर कोई क्या खराब लोग है जो स्टॉक मार्केट में रिटेलर का लॉस कराते हैं? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनसाइडर जो कि एक स्मार्ट ट्रेडर है जो इस स्टॉक मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए हैं और इस मनी मार्केट को बहुत ही अच्छी तरीके से वो लोग समझ गए हैं और इस स्टॉक मार्केट में वो अच्छी तरीके से काम करते हैं। वो भी सेबी का रूल्स रेगुलेशन सब कुछ के साथ इस स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, बस उनका काम करने का तरीका अलग होता है जो कि इस स्टॉक मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से वो लोग समझ के काम करते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे एक रिटेलर ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं और इनसाइडर को मतलब दोष देता है। इनसाइडर कोई खराब नहीं है, इनसाइडर बस अपनी जो सही रणनीति है उसके ऊपर काम करते हैं और इस स्टॉक मार्केट को काफ़ी अच्छी तरीके से वो समझ चुके हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं इनसाइडर कौन है। जैसे कि यहाँ पे हम बात किया है एक स्मार्ट ट्रेडर है इनसाइडर, उसके बाद यहाँ पे एक हेज फंड है इनसाइडर, और यहाँ पे इनसाइडर एक बैंक है, एक इंस्टीट्यूशन है जो इस मार्केट में काम करते हैं। और यहाँ पे हम बात करें अगर एक रिटेल ट्रेडर की, तो रिटेल ट्रेडर कौन है? आप है, हम है, मान लीजिए कोई एक आर्मी है जो इस स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम कोई काम कर मतलब ट्रेड करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं, तो एक रिटेल ट्रेडर है। हो सकता है कोई एक स्टूडेंट है इस स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, वो भी एक रिटेल ट्रेडर है। हो सकता है कोई एक टीचर है जो इस स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, वो भी एक रिटेल ट्रेडर है। हो सकता है कोई एक बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेस, वो भी इस स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, वो भी एक रिटेल ट्रेडर है जो कि बहुत ही कम पैसा लेके इस स्टॉक मार्केट में आते हैं। हो सकता है कोई एक फार्मर हो सकते हैं या शॉपकीपर हो सकते हैं या कोई एक पान वाला भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हर एक लोग इस स्टॉक मार्केट में काम करते हैं और एक रिटेल ट्रेडर का रूप यहाँ पे निभाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन सभी लोगों का काम करने का तरीका इस स्टॉक मार्केट में अलग अलग है। जो सबसे पहले हम बात करते हैं इनसाइडर की, तो इनसाइडर के पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ यहाँ पे अगर हम बात करें रिटेल ट्रेडर की, इनकी कैपिटल बहुत ही कम है। और मार्केट में एक बात है, जिसकी बोली ज़्यादा उसी की तरफ मार्केट भागेगी। मान लीजिए इनसाइडर के पास पैसा ज़्यादा है तो इनसाइडर का साइड ही मार्केट भागेगी। जितना भी रिटेल ट्रेडर है, मतलब रिटेल ट्रेडर के पास अगर क्वांटिटी कम है और इनसाइडर के पास अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इनसाइडर जिस भी साइड मार्केट को भगाने के लिए कोशिश करेगा उसी साइड मार्केट को वो ले जा सकते हैं। तो अगर एक रिटेल ट्रेडर मार्केट को किसी दिशा पे लेके जाना चाहते हैं तो वो कभी भी लेके नहीं जा पाएगी। और एक इनसाइडर अगर चाहती है
कि मार्केट को जिस दिशा पे लेके जाना उसी दिशा पे वो लोग लेके जा सकते हैं। और एक बात है, सबसे पहले हम बात करते हैं ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। ये लोग एक कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, ये लोग एक ग्रुप के साथ काम करते हैं। ये लोग के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये लोग मार्केट को जिस साइड भी लेके जाना चाहते हैं उसी साइड ये लेके जा सकते हैं। और रिटेल ट्रेडर के पास पैसा कम होता है और ये रिटेल ट्रेडर अकेला काम करते हैं, इसीलिए ये रिटेल ट्रेडर इस मार्केट में साइकोलॉजी एंड ग्रीड एंड फियर के चक्कर में मार्केट में लॉस होता है। ये लोग को पता होता है कि ये जो लोग आ रहे हैं रिटेल ट्रेडर, ये लोग अपना हो सकते कोई बिजनेस करते हैं या कोई दुकानदार है, टीचर है, वो सभी पैसा फैमिली का लेके आता है। और इस स्टॉक मार्केट में हो सकते कोई 50,000, कोई 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ये सभी पैसा इस मार्केट में लेके आता है और काम करना शुरू करते हैं। और ये लोग जानते हैं जो ये पैसा लेके आया है, ये पैसा के साथ उनका इमोशन जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं मार्केट में ऊपर नीचे बाइंग सेलिंग करते हैं। और रिटेलर जो थोड़ी बहुत नीचे आते हैं और यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस बुक कर लेते हैं और अपना जो कि लॉस जब भी देखते हैं इमोशन के साथ जो कि स्टॉप लॉस काटते हैं। तो इसी का फ़ायदा जो कि इनसाइडर उठाते हैं, तो आगे हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे किस तरीके से इनसाइडर ये सब काम करते हैं। तो इनसाइडर के पास अगर हम बात करें तो ये लोग कम हैं। ये लोग आपने सुना होगा मार्केट में 10% लोग जो कि पैसा कमाते हैं, जो कि 10% लोग इनसाइडर है, एंड 90% लोग जो कि रिटेलर है जो पैसा इस मार्केट में लॉस करते हैं। तो अगर हम बात करें तो 10% के पास पैसा सबसे ज़्यादा है, इनके पास बिग कैपिटल है, एंड 90% रिटेल ट्रेडर के पास स्मॉल कैपिटल है। इसी के कारण जो कि रिटेल ट्रेडर यहाँ पे कभी भी जीत नहीं पाएगा, क्योंकि इसका मार्केट का पूरा जो सिस्टम है, मान लीजिए जिसके पास पैसा ज़्यादा है वही जीत सकते हैं इस मार्केट में। मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी बाई किया है या 100 क्वांटिटी बाई किया है, दूसरी तरफ यहाँ पे इनसाइडर किसी के पास पैसा ज़्यादा है तो यहाँ पे 1000 क्वांटिटी यहाँ पे बाई किया है, तो किसकी तरफ मार्केट जाएगी? ऑब्वियसली बात है, जो इनसाइडर है जो 1000 क्वांटिटी बाई किया है उसी की साइड मार्केट भागेगी। ये तो सिंपल सी प्रोसेस है। तो रिटेल ट्रेडर इस बात को नहीं समझ पाते हैं। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आपको इनसाइडर के साथ ही जुड़ना पड़ेगा, इन सभी लोगों की तरह सोचना पड़ेगा, एक ऑपरेटर की बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब ये लोग जिस टेक्निक को यूज़ करके इस स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उन सभी टेक्निक को आपको यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाएंगे। अगर आप इन्हीं की तरह सोच रखेंगे, इन्हीं की तरह मार्केट में काम करेंगे तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस इनसाइडर इस स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं और एक रिटेल ट्रेडर किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक डायग्राम बनाया है और उसमें किस तरीके से स्मार्ट ट्रेडर या इनसाइडर काम करते हैं और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर किस तरीके से काम करते हैं, तो हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट में दो ही चीज़ होता है और इनसाइडर दो ही चीज़ इस मार्केट में करते हैं। वो सबसे पहले इस मार्केट में एक्युमुलेशन करेगा और उसके बाद ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, उसके बाद नीचे लेके आएगा और एक्युमुलेशन करेगा, फिर जाके डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, फिर एक्युमुलेशन करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो दोस्तों मार्केट में दो ही चीज़ होता है इस मार्केट में, एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बट मार्केट में चार्ट में रिटेल ट्रेडर इसको समझ नहीं पाता है। इस मार्केट में तभी आप प्रॉफिट कर पाएंगे जब इस एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे। जब तक आप एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझेंगे तब तक इस मार्केट से पैसा आप नहीं कमा सकते हो। चलिए हम बात करते हैं, मान लीजिए आप किसी भी बिजनेस पे सफल होना चाहते हो या पैसा कमा के उसमें अमीर होना चाहते हो, तो सबसे पहले मतलब कोई बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए आपने 100 रुपीज़ में बाई किया है, तो 100 रुपीज़ में बाई किया है तो 100 रुपीज़ में अगर आप सेल करेंगे तो आपका तो प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपको प्रॉफिट होना है तो 120, 150 या 125 इस लेवल पे लेके जाके आपको सेल करना पड़ेगा या कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। तो यही चीज़ जो कि ये इनसाइडर करते हैं और फुल रूल रेगुलेशन के साथ करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा है, इसीलिए वो लोग जिस भी साइड मार्केट को मूव करना चाहते हैं उसी साइड मूव कर पाते हैं। और इस मार्केट का जो एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, उन सभी इनसाइडर को पता है।
उन सभी इनसाइडर को वो बात पता है कि किस तरीके से मार्केट काम करता है, किस तरीके से एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस मार्केट में। तो ये चीज़ एक रिटेल ट्रेडर नहीं समझ पाते हैं। कोई भी चार्ट आज से आप उठा के लेके जाइए, जहाँ पे एक्युमुलेशन होगा उसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसके बाद जब ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा हो सकता है वो फिर एक्युमुलेशन करेगा और उसके बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो इसी का फायदा जो कि इनसाइडर उठाते हैं। और रिटेल ट्रेडर कहाँ कहाँ पे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इनसाइडर किस तरीके से काम करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि इनसाइडर मान लीजिए यहाँ पे एक्युमुलेशन किया है, यहाँ पे क्या करेगा वो अपना फुल क्वांटिटी, मतलब हो सकता है 10,000 क्वांटिटी या 10 लाख या 10 करोड़ क्वांटिटी इसी जगह पे एक्युमुलेशन करके वो बाई करेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक्युमुलेशन करके जब बाई हो जाएगा, फिर वो जिस साइड मार्केट को लेके जाना चाहते हैं उस साइड वो लेके जाएगा। सबसे पहले मार्केट एक डीप लेगा और उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला जाएगा। यहाँ पे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएगा तो वो अपना जो माल यहाँ पे खरीदा वो यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा और रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाई करेगा, उसी माल को लेने के लिए कोशिश करेगा। और जैसे ही वो माल यहाँ पे रिटेल ट्रेडर लेगा तो वो फिर से डिस्ट्रीब्यूशन से एक्युमुलेशन जोन में लेके आएगा और यहाँ से इनसाइडर क्या करेगा उसी माल को खरीदेगा। मतलब यही माल यहाँ पे भी बेचा और यही माल आके यहाँ पे खरीदा, फिर वो क्या करेगा फिर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जाएगा। तो यही चीज़ जो को मार्केट में होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर की अगर हम बात करें तो रिटेल ट्रेडर किस तरीके से काम करते हैं, मान लीजिए रिटेल ट्रेडर जो स्मार्ट कुछ ट्रेडर है वो लोग क्या करते हैं, इसी लेवल पे बाई करते हैं, इसी लेवल पे सेल करते हैं। बट जो रिटेल ट्रेडर है कुछ लोग नहीं जान पाते हैं इस मार्केट में किस तरीके से काम होता है, तो वो लोग क्या करते हैं इसी जगह पे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं और ये सोचता है कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं और उसी टाइम पे मार्केट नीचे आता है और मार्केट कहीं नहीं जाता है, मतलब मार्केट वहीं पे घूमना शुरू करते हैं। तो यही एक सबसे मेजर प्रॉब्लम है एक रिटेल ट्रेडर का, क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि मार्केट में कहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहे हैं, किस कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। तो चलिए अभी हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं किस तरीके से मार्केट में एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चार्ट लिया है बैंक निफ्टी का, जो करंट अभी 2023 का चार्ट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसी चार्ट को हमने लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले एक्युमुलेशन किया है इनसाइडर। एक्युमुलेशन करने के बाद मार्केट को सीधा ऊपर लेके गया है, ऊपर लेके जाने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया है, यानी जो माल यहाँ पे इनसाइडर ने खरीदा है उसी माल को ऊपर लेके जाएगा, तो तभी तो इनसाइडर का प्रॉफिट होगा। तो इनसाइडर जैसे ऊपर लेके गया है, ऊपर लेके जाने के बाद यहाँ पे माल को बेच दिया है। फिर क्या करते हैं, यहाँ पे जो लोग बाई करने के लिए रेडी है, मतलब यही माल जो लोग बाई करने के लिए रेडी है, तो यहाँ पे वो लोग बाई किया है और यहाँ पे जैसे बाई किया है इनसाइडर नीचे लेके आया है और नीचे फिर से यहाँ पे उसी माल को खरीदा है। यानी इनसाइडर यहाँ पे भी प्रॉफिट किया, यहाँ पे भी प्रॉफिट किया। अभी इनसाइडर यहाँ पे फिर से वही माल खरीदेगा, वही माल खरीदने के बाद मार्केट को फिर ऊपर लेके जाएगा, ऊपर लेके जाने के बाद यहाँ पे फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करके वही माल फिर से वो लेगा और यहाँ से फिर से वो लेके आ जाएगा नीचे और यहाँ पे एक्युमुलेशन जोन में लेके आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से काम करते हैं। और रिटेल ट्रेडर जो कि यहाँ पे ही बाई करता है सेल करता है बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे ही वो बाई करता है या सेल करता है वो उसका खिलाफ मार्केट जाना शुरू करते हैं और उसी जगह पे घूमना शुरू करते हैं। और रिटेल ट्रेडर जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए होता है क्योंकि वो एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोन को नहीं समझ पाते हैं। हो सकता है कोई इसको मार करके रखता है, यहाँ पे ट्रेड डालते हैं और यहाँ पे आके यहाँ पे जिग जग मूवमेंट करते हैं और उसका लॉसेस हो सकता है। और यहाँ पे कुछ लोग जो कि इसको मार्क करेगा और इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो यहाँ पे बाई करते हैं, बाई करने के बाद यहाँ पे जिग जग मूवमेंट करता है और उसका लॉसेस होता है। दोस्तों आपको एक ऑपरेटर की तरह सोचना पड़ेगा, आपको एक इनसाइडर की तरह सोचना पड़ेगा इस मार्केट में। अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो आप इनसाइडर किस तरीके से काम करते हैं उन सभी चीज़ को अगर आप समझेंगे तभी जाके यहाँ पे आप पैसा कमा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको सोचना है कहाँ पे एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और नीचे आया है मार्केट, तो इसी के साथ आपको ट्रेड डालना है। हर एक ट्रेड पे जो कि रिस्क होता है तो रिस्क को आपको लेना ही पड़ेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इनके साथ जुड़ सकते हैं,
और यहाँ पे देख सकते हैं फिर से एक्युमुलेशन हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चला गया। तो मार्केट में यही दोनों चीज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने सीखा है किस तरीके से इनसाइडर इस मार्केट में काम करते हैं और एक रिटेल ट्रेडर का काम करने का तरीका बहुत ही अलग है इस मार्केट में। जो एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझ पाते हैं वो मार्केट में सोचता है पैसा कमाने के लिए, बट यहाँ भाई मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा है, समझा है और किस तरीके से इनसाइडर काम करते हैं, आप काम करते हो, आपका काम करने का तरीका जो कि अलग है, अलग तरीके से आपको इनसाइडर की तरह की सोचना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इतना टाइम दिया है इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि लगातार ऐसे एजुकेशनल वीडियो स्टॉक मार्केट के बारे में आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।